हाय, मैं रुपेश कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस, आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं बानिक के स्मार्ट क्लासेस में। और जैसे कि आपको पता होगा, मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है, याद रखिएगा, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ। जी हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ। तो देखिए, इंटरनली अगर आप लोग देखते हो तो अर्थ को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका क्रस्ट, दूसरा होता है आपका मेंटल, और तीसरा होता है आपका कोर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंटरनली अर्थ को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका क्रस्ट, दूसरा होता है आपका मेंटल, और तीसरा होता है आपका कोर। सरफेस से लेकर, ठीक है, सरफेस से लेकर आपका 8 से 40 किलोमीटर अगर आप लोग अंदर आते हो तो आपको जो पहला लेयर देखने को मिलेगा, उस पहले लेयर को हम लोग बोलते हैं आपका क्रस्ट। वहां से यानी कि 8 से 40 किलोमीटर से लेकर आपका 2700 से लेकर 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक आपको जो लेयर देखने को मिलेगा वो होता है अर्थ का दूसरा लेयर, जिसको बोलते हैं हम लोग आपका मेंटल। और वहां से लेकर पूरा अंदर तक अर्थ का मिडिल पॉइंट तक आपको जो लेयर देखने को मिलेगा उस लेयर को हम लोग बोलते हैं आपका कोर। क्लियर हो गया आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नेक्स्ट देखिए, जो क्रस्ट होता है, याद रखिएगा, क्रस्ट को क्या कहता है, अगेन दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका आउटर क्रस्ट, या फिर आप लोग अपर क्रस्ट भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है आपका इनर क्रस्ट, या फिर आप लोग उसको लोअर क्रस्ट भी बोल सकते हो। उसी प्रकार से मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, और कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, जो आउटर कोर होता है, ठीक है, आउटर जो कोर होता है और जो इनर कोर होता है, याद रखिएगा, आउटर कोर और इनर कोर को एक लेयर सेपरेट करता है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, आपका लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर, आउटर कोर और इनर कोर को एक लेयर सेपरेट करता है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज द लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। उसी प्रकार से आउटर मेंटल और इनर मेंटल को भी एक लेयर सेपरेट करता है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज द रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। उसी प्रकार से जो आपका आउटर क्रस्ट होता है और जो इनर क्रस्ट होता है उसको भी एक लेयर सेपरेट करता है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, आपका दैट इज गोनाड डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर हो गया आपका। तो यहां पे आपको तीन डिस्कंटिन्यूटी याद रखना है। पहला होता है आपका कोनाड डिस्कंटिन्यूटी, आपका आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। नेक्स्ट होता है आपका कौन सा, रैपिड डिस्कंटिन्यूटी, वो हो गया आपका आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। और नेक्स्ट होता है लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, वो होता है आपका आउटर कोर एंड इनर कोर। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, जो आपका आउटर क्रस्ट होता है, याद रखिएगा, आउटर क्रस्ट में आपको देखने को मिलेगा एक एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकेट प्लस एल्यूमिनियम, यानी आप लोग बोल सकते हो सीएल, एस आई ए एल, सिलिकेट प्लस एल्यूमिनियम। उसी प्रकार से जो आपका इनर क्रस्ट होता है, इनर क्रस्ट में देखने को मिलेगा आपको क्या, सीमा, दैट इज द सिलिकेट प्लस मैग्नेशियम, यानी सिलिकेट और मैग्नेशियम आपको देखने को मिलेगा कहां पे, आपको इनर क्रस्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मेंटल का, तो याद रखिएगा, मेंटल इज फुल्ली कंपोज्ड ऑफ रॉक, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत प्रकार के आपको रॉक देखने को मिलेंगे, और मेनली जो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे कहां पे, यही आपको देखने को मिलते हैं मेंटल का लेयर में। अगर बात किया जाए कोर का, तो कोर में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, आपका एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग आपका नाइफ, एन आई एफ ई, यानी कि निकेल प्लस एफ ई, एफ ई का मतलब होता है आपका आयरन। तो कोर में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या, निकेल प्लस आयरन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप लोग क्या होता है अर्थ के अंदर मूव करोगे, यानी कि आपका अर्थ का इंटरनली मूव करते हो, तो याद रखिएगा अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, धीरे 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 आपका इंक्रीज करता है।
तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर कहीं पे होता है तो वो होता है कहां पे, आपका कोर में होता है। क्लियर? कोर में याद रखिएगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो सॉलिड रॉक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, याद रखिएगा आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एंड दैट लिक्विड रॉक, दैट मोल्टन रॉक आर कॉल्ड एज द मैग्मा। उनको बोला था, याद रखिएगा आपका मैग्मा। तो याद रखिएगा मैग्मा भी आपको देखने को मिलेगा कहां पे, मैग्मा भी आपको देखने को मिलता है कोर में देखने को मिलेगा। और एक बार वो मैग्मा आपका अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर से बाहर आ गया, यानी अर्थ का सरफेस से बाहर आ गया, देन इट इज कॉल्ड एज द लावा। तो दोनों चीज याद रखिएगा, मैग्मा होता है जब तक वो अर्थ के अंदर में है, सरफेस के अंदर है, और लावा हो गया क्या हो गया, एक बार अगर सरफेस से बाहर निकल गया देन इट इज कॉल्ड एज द लावा। क्लियर हो गया यहां पे? तो मैं अभी बताया आपको कि क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको तीन डिस्कंटिन्यूटी बताया गया, एक होता है कौन सा आपका कोनार्ड, एक हो गया आपका रैपिटी, एक हो गया आपका लहमान। यहां पे आपको मैं और दो डिस्कंटिन्यूटी बताऊंगा, एक होता है याद रखिएगा मोहोभौरिक डिस्कंटिन्यूटी, मोहोभौरिक डिस्कंटिन्यूटी। याद रखिएगा ये जो डिस्कंटिन्यूटी होता है ये क्या करता है आपका क्रस्ट और मेंटल, जो क्रस्ट होता है और जो मेंटल होता है उसको सेपरेट करता है, याद रखिएगा आपका मोहोभौरिक डिस्कंटिन्यूटी। उसी प्रकार से एक और डिस्कंटिन्यूटी है, उसका नाम है याद रखिएगा आपका गुटनबर्ग विडचेट डिस्कंटिन्यूटी। जी हाँ, गुटनबर्ग विडचेट डिस्कंटिन्यूटी। और ये क्या करता है आपका, याद रखिएगा ये सेपरेट करता है आपको किसको किसको, ये सेपरेट करता है आपका मेंटल एंड कोर को। याद रखिएगा मेंटल एंड कोर को सेपरेट करता है कौन आपका, गुटनबर्ग विडचेट डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर हो गया आपका? तो ये था आपका क्या, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ। आने वाले क्लास में अगेन मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर फिर आऊंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वेयर मास्क, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।